ASN24 पल पल की खबर। महिलाओं की शान, युवाओं की पहचान। दमदार महिला सरपंच प्रत्याशी ग्राम पंचायत कोसमंदा से श्रीमती निशा दिनेश मार्कंडे, नारियल का पेड़ छाप का लाइव घोषणा और जनता का जबरदस्त समर्थन। निशा मार्कंडे, कौन से ग्राम पंचायत है? कोसमंदा। कौन से पद के लिए प्रत्याशी? सरपंच पद के लिए। कौन से चुनाव चिन्ह है? नारियल पेड़। गांव के विकास के लिए कोई घोषणा है? हाँ है भाई ना, जैसे कि घर घर नल जल योजना है ना, और भाई मन चाहते जैसे यादव समाज है, धोबी समाज है, हमर समाज के सतनामी समाज है, भवन होना चाहिए सब समाज के लिए। हाँ, सब समाज के लिए भवन निर्माण है ना। अपन ये घासीदास सेवा है, ओकर बाउंड्रीकरण नहीं हो पाए, पिछले कई सरपंच आई बनवाबो करके नहीं बनवा पाए, तो ओकरो लिए है मतलब बाउंड्रीकरण करवाऊँ ऐसे करके, और जहाँ जहाँ पचरी के जरूरत है तालाब में तोला भी करवाना है, और जहाँ जहाँ मतलब तकलीफ होते महिला मन ला आ जाए में रोड है, नाली है, ये सब चीज़ ला बनवाना है, जो गली में रोड के जरूरत है वहाँ नहीं बन पाए, तो मोर पूरा प्रयास है दिल से कि मैं कर मन के काम आ सकूँ। कोई योग्य जे सियान हो गए जे पेंशन के लायक है सियान? हाँ बिल्कुल है ना, मोर घोषणा पत्र में सब है वह, अब एक एक करके नाम नहीं गिना पाता हूँ है ना, लेकिन है वह मोर जैसे कि 60 साल कहाँ तक? यहाँ 10वीं तक। हम लोग चूंकि आते हैं जाते हैं घूमते फिरते हैं, सारे बुजुर्ग जानते हैं, आप भी जानते हैं। हाँ, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का हालत बहुत खराब है, बहुत बहुत खराब है। हाँ, सुधार के लिए आप क्या है ना, उसके लिए भी है, जैसे कि 10वीं तो है लेकिन 9वीं 10वीं के लिए टीचर की कमी है, मैडम की कमी है। और ज़्यादातर हमारे गांव में तो मैं बोलूँगी कि सर लोग तो उतना वो नहीं करते हैं, जैसे कैसे मोटिवेट करना चाहिए बच्चे लोग को, इसके लिए क्या करना चाह रहे हैं? तो इसके लिए जैसे जहां टीचर की कमी है वहां व्यवस्था करवाएंगे। हाँ, ये हम पूछ रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में टीचर देखते हैं सरकारी स्कूल की हालत की बच्चे बहुत कमजोर रहते हैं। हाँ, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ CCTV कैमरा लगा के टीचरों के कितने बिल्कुल पढ़ाई होता है, कितने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या पढ़ाते कैसे हैं बच्चों को? हाँ, इसकी निगरानी के लिए अब सर लोग से जैसे हम लोग चर्चा करते हैं तो बोलते हैं कि दो दो स्कूल चला रहे हैं, टीचर की कमी है ना, तो उन लोग का कहना है टीचर आना चाहिए, और जो खाली है उन लोग, मैं कई सर को देखी हूँ कि लोग मतलब बैठे रहते हैं प्राइमरी स्कूल का, तो ठीक है। मैं CCTV कैमरा आप लगवाना चाहती हूँ? चाहती हूँ मैं। हाँ, जरूरी है पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक, बिल्कुल, ताकि टीचर बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं, गलत है कैसे है, है ना, ये देख सके कोई भी गांव में युवा जाके देख सकता है वहाँ पे कंप्यूटर और CCTV कैमरा लगा होगा तो। नहीं, मैं चाहती हूँ कि इसमें है ना 6वीं से 10वीं तक तो हर एक कमरे में CCTV लगना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, गांव के बच्चे जा रहे हैं तो हमारे ही बच्चे हैं ना। तो दीदी, तो ये भी है ना कि पहली से पांचवी तक वो तो फाउंडेशन है, उसमें भी तो लगना चाहिए, क्योंकि पांचवी कक्षा का लड़का ठीक से ना, लड़की वो ठीक से पढ़ने नहीं जानता हिंदी में, लगना चाहिए। लेकिन वहाँ के सर लोग ठीक है पढ़ाई वढ़ाई, क्योंकि मैं आती जाती हूँ तो वहाँ है पढ़ाई होता है, अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो नहीं, लेकिन अब माँ बाप लोग को भी पता होगा, लेकिन मैं जहाँ तक करी हूँ तो वहाँ का पढ़ाई और सिस्टम जो है अच्छा अच्छा है, और कोशिश रहेगा कि वहाँ भी हो जाए। आपका नाम? दुर्गा कनौ जी। ये सरपंच प्रत्याशी जी हैं, उनका कहना है, इनका इतनी सारी घोषणाएं हैं, तो क्या सरपंच बनने के बाद ये घोषणाओं को पूरा कर सकती हैं? कर सकती है ना। आपको लगता है? हाँ। क्या छाप है उनका? नारियल का पेड़। साड़ी वड़ी थोड़ी ना दे? हूँ नहीं दे। नहीं देना। आपके नाम दे? कामनी वर्मा। तो सरपंच प्रत्याशी घोषणा कर रहे हैं, क्या योग्य है सरपंच बनने के लायक? जी सर। महिलाओं का साथ मिल रहा है, पुरुषों का भी? हाँ। तो रे प्रसाद बन जा रहे दीदी, घोषणा करते सही कि गलत है? बिल्कुल सही। सही है ना, सारे बार कैमरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? इनमें साफ सफाई वगैरह? साफ सफाई तो हफ्ते हफ्ते में होता रहता है। स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए कोई? वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है लगना, क्योंकि बहुत अंधेरा रहता है, कई प्रकार का आदमी इधर उधर घूमते रहता है। ये सरपंच प्रत्याशी की घोषणा पत्र में है स्ट्रीट लाइट? नहीं है। नहीं है तो क्या स्ट्रीट लाइट को भूल गए हैं क्या? मैंने हाँ भूल गई हूँ। हाँ, और मुक्ति धाम भी है मेरे घोषणा पत्र में, उसको भूल रही थी। ये
चलिए आपके गांव के मतदाताओं ने आपको याद, मेरा कोशिश रहेगा कि मैं जब सरपंच बनूं तो मेरा गांव थोड़ा मतलब पहले से बेहतर। सर आप युवा हैं, बताइए सरपंच साहिबा का घोषणा कहाँ से हैं आप? मैं रामपुर से हूँ सर, राजेश टंडन। रामपुर कौन सा गाँव है? ये कुसमंदा पंचायत के आश्रित ग्राम। तो बताइए रामपुर में आश्रित गांव में सरपंच प्रत्याशी दीदी का क्या चल रहा है उनका? बहुत बढ़िया है सर, उसका तो मितानिन का हेड है अपना कुसमंदा और रामपुर से, तो बहुत साल कन्वेंस कर लेते हैं वो लेडीज के माध्यम से, आंगनबाड़ी मितानिन ये सब देते हैं, रेंट सलकर बहुत बना हुआ है। सरपंच बनने की योग्य है? है विकास करा पाएगा? हाँ हो पाएगा आप लोग? जी।